तो वो भी प्रतीक था कि विष्णु परंपरा से ये उपदेशी है। तब उस विवेकानंद ने पूछा कि तूने कहीं से उपदेश ले रखा है, दीक्षा ले रखी है कि हाँ दीक्षा ले रखी है? तो स्वामी जी ने पूछा कि तेरा गुरु कौन है? विवेकानंद जी ने पूछा कबीर परमेश्वर से, तेरा गुरु कौन है? परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। इस बात से बहुत अक्षुब्ध हुआ विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद को पता चला कि ये शूद्र वर्ण से संबंध रखता है, ये धानक जुलाहे का पुत्र है, क्योंकि वह उपस्थित जनों ने तुरंत खड़ा होकर बता दिया था कि ये धानक का पुत्र है, जुलाहे का पुत्र है, नीरू को कहीं मिला था वो है ये। तो उसी समय वो कहने लगा कि तू शूद्र वर्ण का होकर के कहता है रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, देखो रे लोगों ये कितना झूठा और कपटी है, इससे सोच लेना ये सब झूठ बोल रहा है। हमारे स्वामी रामानंद जी कभी किसी को दीक्षा नहीं देते, वो बहुत ज़्यादा छुआछात किया करते थे और शूद्र वर्ण से तो वो बिल्कुल हेट करते थे, पल्ला कर लेते थे, पर्दा कर लेते थे, बात करते हुए भी उसे शकल नहीं देखते थे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में ब्राह्मण समाज और अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे और वहाँ ये कहना कि मैंने रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और आम व्यक्ति को ये हो गया कि ये झूठ बोलता है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता की जानकारी भी ये झूठी ही दे रहा होगा। और यही विवेकानंद चाहता था, तेरी इज्जत बनी रहे, ये श्रोता धोखे में पड़े रहे और ये मेरी जो है ना दाल रोटी चलती रहे। इनका यहीं तक बुद्धि सीमित रही, इन ऋषि गुरु मह ऋषियों की। उसमें विवेकानंद जी ने कहा कि श्रोताओं कल सभी आना स्वामी जी की कुटिया पर, रामानंद जी की कुटिया पर, और उनके सामने मैं अर्ज करूँगा कि हमारी तो नाक काट ली इस जुलाहे के पुत्र ने, इसने भरी सभा में आपको अपना गुरु बता दिया, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, देखना सच्चाई का कल पता चलेगा। अब श्याम को जाकर के विवेकानंद जी ने, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारी तो नाक काट ली, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हुई, सारी कहानी बता दी कि एक दुलाहे का बेटा आपको अपना गुरु बतावस ऋषि गुरुवर, और सभी वहाँ सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में श्रोता उपस्थित थे, उसने सरेआम कहा ये कि मैंने रामानंद जी से नाम ले रखा है, और वो तिलक भी लगाता है मत्थे पर, ऐसे ही लगाता है। रामानंद जी का पारा 100 पर चला गया एकदम आई, और कहने लगा वो झूठा है, वो कपटी है, कल उसकी सब असलियत सामने आ जाएगी, उसको बुला कर लाओ। अब सुबह सुबह वो विवेकानंद और 8-9 मलंग लेकर लठाणेर चल पड़ा परमात्मा कबीर जी की कुटिया की तरफ, जहां वो रहा करते थे जुलाहों की कॉलोनी में। किसी व्यक्ति ने देखा कि ये कोई घर पूछ रहे हैं, उन्हें कबीर नीरू का घर पूछा और उनके इरादे से वो परिचित हुए। इसी प्रकार एक बहन को पता चला, उनको उन्होंने कुछ रास्ता नहीं दिया, वो तो कहने लगे पूछ लो कहीं आगे, वो किसी और से घर पूछने लगे, तब तक वो दोनों आगे सीधर शीघ्र आ गए आगे। पहले एक बहन आई, फिर एक भक्त ने, एक व्यक्ति ने आके यही बताया कि एक ब्राह्मण है, उसके साथ 7-8 लठ वाले हैं और तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, अब तुम सावधान हो जाओ, उसके उनके इरादे नेक नहीं हैं। अब नीमा समझ गई कि ब्राह्मण है, क्योंकि उससे पहले भी कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं को जहाँ भी खड़े वो चर्चा हो रही होती थी, ये परमात्मा उनसे प्रसन्न किया ही किया करते थे, और उनके उल्हाने आते थे, नीमा और नीरू को आकर कहते थे कि अपने बेटे को मना कर दो, इनको समझा लो, ये हमारे सत्संग में बाधा डालता है,
और परमात्मा बताया करते, तुम गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हो, इनको विष खिला रहे हो अपने श्रोताओं को, तुम सत्य से परिचित नहीं हो। और नीमा धमकाया भी करती थी, बेटा तुम मत छेड़ा कर, ये तो राक्षस टाइप के व्यक्ति हैं, बेटा तुझे कभी मार देंगे। तब कबीर परमात्मा कहा करते कि माताजी मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इनको समझाने की चेष्टा करता हूँ, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं इनको सही ज्ञान बताना चाहता हूँ, ये मुझे पहचानते नहीं। इस बात से माई भी अक्षुब्ध हो जाया करती कि पड़ा रहे तू दादा पाक गया, 5 साल का बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, तू घना ना बोला करे, और बेटा तू मत छेड़ा कर इनको। तो उसको इस दिन भी उसको तुरंत उसके हृदय में गया कि अवश्य ही कोई गड़बड़ करके आया कल, और आज तो भयंकर रूप धारण कर रखा उन्होंने, जो लठ ले कर रहा था। माता ने बच्चे को उठाया सूता परमात्मा को, तो सोए जागे बराबर ही होते हैं, खड़े हो गए। पूछा माता ने, पूछा बेटा तूने कल किसी के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी ब्राह्मण से? अक नहीं माता जी, छेड़छाड़ तो नहीं की थी, मैंने तो प्रसन्न किया था। वह बोली तू इन प्रसन्न करना छोड़ दे बेटा, वो आने लग रहे हैं, और चल तुझे छुपा देती हूँ, तू बोलिए मत, छुप जा। झोंपड़ी के पीछे जाके लिटा के ऊपर कपड़े डाल दिए, गुदड़गा बा डाल दिया, अब तू बोलिए ना बेटा, अब ठीक है। अब इतने में वो आगे आते ही बोले कहाँ है वो तुम्हारा पुत्र, वो कबीर कहाँ, हमें दो, आज उसको स्वामी जी के सामने ले जाएंगे, उसकी वहाँ पिटाई होगी। अब नीमा कहने लगी क्या बात होगी, क्या गलती कर दी मेरे पुत्र को, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा। वो कहने लगे नहीं हमें दो, वो कहाँ है। यूँ कहते कहते वो अंदर चले गए। उस कुटिया में झोंपड़ी में जो भी चारपाई थी, वस्त्र थे, सब खिंडा मंडा दिए, कहाँ छुपा रखा है। और माता हाथ जोड़कर कह रही है मेरे बच्चे पर रहम करो, बालक है, बच्चे तो गलती कर ही दिया करते हैं, आप तो महान हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो। और ला ला खोरी विवेकानंद की, क्यों उसकी तपोल खुलगी निकम्मेगी। कहने लगा दूर हो जा तू, बता नहीं तो कहानी तेरी टांग तोड़ दूंगा। अब पुण्यात्माओं देवी भागवत में लिखा है प्रथम स्कंद में कि ये कलयुग के जो ब्राह्मण हैं, कलयुग में जो ब्राह्मण हैं वो ऐसे हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते, और ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है। उधर परमात्मा ने देखा कबीर जी ने कि ये माता जी को तंग कर रहे और ये टांग तोड़ देंगे माँ की। बाहर खड़ा होकर वो एकदम खड़े हो गए वहीं पर और कहा विवेकानंद आजा, झोपड़ी के पीछे खड़ा हूँ मैं। अब विवेकानंद आवाज़ सुनते भाग कर गए सारे पर और पकड़ लिए परमात्मा को बाजू से। उधर से नीमा ने अपने बच्चे को छुटवाना चाहा, उसके लिपट गई, अपने बच्चे को ऐसे लिपट गई। बच्चा तो नहीं था, वो तो हमारा बाप था, पिता था सबका, लेकिन लीला कर रहा था दाता। उधर से सर्वानंद ने उसके हाथों पर लठ मारे और उसके गुंडों ने वो माता के, और वो हाथ छुड़वा दिए, बुरी तरह पीट कर छोड़ दिया। उधर से नीरू को जो पता चला क्या झगड़ा हो गया, वो भाग आया, उसने भी विरोध किया, बच्चे को छुटवाना चाहा, तो उसकी भी बहुत पिटाई कर दी और बेहोश करके गली में डाल दिया। परमेश्वर को उठाकर वो ले गए। वहां रामानंद जी अपनी कुटिया में बैठे थे, स्नान कर आए थे, वो प्रतिदिन जो कर्मकांड किया करते थे वो करने की तैयारी कर रहे थे। विवेकानंद ने कहा जी ये आ गया है वो नीरू पुत्र, जुलाहे का बेटा कबीर, जो आपको अपना गुरु बताता है। रामानंद जी ने अपनी कुटिया के सामने पर्दा ला लिया और कबीर जी बाहर खड़े हैं, रामानंद जी कुटिया के अंदर, और हजारों की संख्या में श्रोता वहां विद्वान है, क्योंकि विवेकानंद तो सबको न्योता दे के लाया था कि कोई और न्यो ना कहे। विवेकानंद से एक प्रश्न किया था, जवाब नहीं आया, जवाब तो टाल दिया और
ये और पंगा पा दिया। लेकिन परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए आए इस उद्देश्य से थे, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, बुरा कहे चाहे भला कहे, मालिक ने तो अपने ज्ञान को उजागर करना था, जिनको शरण में लेना है वो लेना ही था। अब रामानंद जी को शरण में लेने की ये सब कुछ कर रहे थे परमात्मा, कितना कष्ट उठाया है, बुरी तरह बेइज्जत हुए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कष्ट उठा सकते हैं। और ये तो सबका पिता सबका माता, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। अब रामानंद जी ने पर्दे के अंदर से आवाज ऊंची आवाज में पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा भगवान है, किस पंथ से तुम जुड़े हुए हो। तब क्या वार्ता होती है ये परमात्मा और उस आत्मा की, परमात्मा कबीर जी और आत्मा उस रामानंद जी की क्या चर्चा होती है, ये आपको सुनाते हैं। आडा पड़दा लाए कर रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि अधर धार कूदंत, अधर डाक कूदंत, जैसे मर्ग को जाकर खड़े। कहते हैं आड्डा पर्दा ला के रामानंद बुझंत, और गरीबदास साहेब जी जो परमेश्वर से परिचित हुए थे, परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस शरीर में छोड़ा था, उन्होंने आंखों देखा और पीछे का और आगे का दिव्य दृष्टि से सब विवरण परमात्मा की महिमा का ये आंखों देखा चित्रण किया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कूद रहा रामानंद जी कुटिया में जैसे मर्ग कूद जा कर गुस्से में कि तूने कैसे कह दिया। और कहता है कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीब दास जी कहते हैं वो परमात्मा बलिहारी था उस परमेश्वर पे, 5 वर्ष की आयु में जब रामानंद जी ने ये पूछा कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, आडा पड़दा लाए कर रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि अधर धार कूदंत, अधर डाक कूदंत, जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े। कहते हैं आड्डा पड़दा ला के रामानंद बुझंत, और गरीबदास साहेब जी जो परमेश्वर से परिचित हुए थे, परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस शरीर में छोड़ा था, उन्होंने आंखों देखा और पीछे का और आगे का दिव्य दृष्टि से सब विवरण परमात्मा की महिमा का ये आंखों देखा चित्रण किया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कूद रहा रामानंद जी कुटिया में जैसे मर्ग कूद जा कर गुस्से में कि तूने कैसे कह दिया। और कहता है कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं वो परमात्मा बलिहारी था उस परमेश्वर पे, 5 वर्ष की आयु में जब रामानंद जी ने ये पूछा कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, दासगिरी फिर आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। जैसे एक नेक शिष्य ने अपने गुरुजी के प्रति कैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए वो करते हुए बोल रहे हैं, कहते हैं गुरुजी तो छो मारे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और परमात्मा कबीर जी, परमात्मा कबीर जी और आधीनी से बोलते हैं और फिर सच्चाई बताते हैं। जाते हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, न्यू खड़े परमात्मा, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत,